चली टॉप अप 30 मिनट का फुल रिचार्ज में आज हम आपको करेंगे रिचार्ज आपके फेवरेट टीवी शोज में आए इंटरेस्टिंग ट्विस्ट से। आज देखिए हमारे स्पेशल सेगमेंट जबरदस्त में महाराजा रंजीत सिंह के स्टार्स नेहा वाग और तुनिशा ने कैसे की दिल्ली के मार्केट में शॉपिंग। ये रिश्ता में दादी की परेशानी कम करने के लिए कार्तिक नायरा ने निकाला कैसा नुस्खा। स्वाभिमान में कुणाल और मेघना में क्यों आ गई है दूरियां। साथ निभाना साथिया में गोपी ने दी रिकी को अब कौन सी सजा। ससुराल सिमरका में अंजलि को क्यों आया विक्रम पर गुस्सा। तीस मिनट का फुल रिचार्ज जूम टेली टॉप अप। टॉप अप धमाका में आज हमारे साथ हैं टीवी स्टार दिव्यांका त्रिपाठी, जिन्होंने जूम से एक्सक्लूसिव बात करते हुए किया अपना समर लुक रिवील। जी हां, दिव्यांका ने बताया कि वो किस तरह के कपड़े इस गर्मी के मौसम में पहनती हैं। आई थॉट ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है मेरे पास, क्योंकि आज हमें अभी वाइल्ड कार्ड एपिसोड चल रहा था और इसमें हमें परफॉर्म नहीं करना था। सो आई थॉट दिस इज द मोमेंट जब मैं कुछ नॉर्मल पहन सकती हूँ या कुछ नया ट्राई कर सकती हूँ। सो ये ग्रीक अटायर है, एक ग्रीक डिज़ाइन बनाई है परीनी ने, शी इज़ माई डिज़ाइनर, और आई रियली लाइक दिस जालीदार वर्क ओवर हियर, दिस इज रियली क्लासी। आई थिंक इट्स वेरी स्टनिंग, शी इज लुकिंग गॉर्जियस। वेल, दिव्यांका का आउटफिट तो काफी स्टाइलिश है और गर्मियों के लिए एकदम परफेक्ट है। दिव्यांका काफी स्टाइलिश हैं और उन्होंने अपने फैंस को दी फैशन टिप्स भी। समर है, जस्ट कीप इट मिनिमल। समरी लुक आपको चाहिए तो ऑफ शोल्डर आप पहनिए या फिर स्लीवलेस पहनिए, और अगर आप थोड़े से कॉन्शियस हैं अगर अपने आर्म्स को लेके तो थोड़ा सा कवर करके थोड़ा दिखाओ थोड़ा छुपाओ पहनिए, और कान वान के बाले बहुत थोड़े से मिनिमल रखिए। थोड़े कर्ल करेंगे या वेवी लुक रखेंगे तो बहुत प्यारा लगता है। Well, we hope दिव्यांका का फैशन धमाका देख आप हो गए होंगे फुली रिचार्ज। सीरियल ये रिश्ता में कार्तिक की दादी परेशान है, क्योंकि कुछ अखबारों में उन्होंने खबर पढ़ ली है गोयनका परिवार के दिवाला निकलने की। अपनी दादी को ऐसे मूड में देख कार्तिक और नायरा दादी के पास आते हैं और उनका मूड अच्छा करने के लिए करते हैं आपस में नोक झोंक और दादी के सामने करते हैं मस्ती मजाक। कार्तिक और नायरा अपनी नोकझोंक में लगे तो दादी एंड में भूल गई कि क्या प्रॉब्लम थी और उन्हें बोलते तुम लोग पागल हो और पागल बोल के चली जानी है। बोनस धमाका में पूजा गौर के नए लुक पर खुलासा। सीरियल ये रिश्ता की नायरा यानी टीवी स्टार शिवांगी जोशी ने बड़ी ही धूमधाम से मनाया अपना बर्थडे। जी हां, शिवांगी ने थ्रो की बर्थडे पार्टी जहां उनका परिवार तो मौजूद था ही, साथ ही मौजूद था टीवी स्टार मोहसिन खान का भी परिवार, और नायरा की ये रिश्ता टीम भी उनको बधाई देने यहां पहुंची, और शो के प्रोड्यूसर राजन शाही भी अपनी गुड विशेस देने आए। नायरा ने सबके साथ मिलकर केक काटा और की सबके साथ ढेर सारी मस्ती। अवार्ड्स मिले हैं, बर्थडे है, शो नंबर वन है, एंड व्हाट एल्स वन कैन विश फॉर। सो आई एम वेरी हैप्पी फॉर हर, एंड आई गेस थोड़ा लेट हो गई हूं आने में, बट नेवर्थलेस मैंने सेट पे सेलिब्रेशन मिस कर दिया बिकॉज़ आई वाजंट शूटिंग टुडे। सो बट आई हैव कम हियर फॉर हर एंड वेरी एक्साइटेड सेलिब्रेट अ बर्थडे। एक साल हो गया हम तीनों का आए हुए शो में, सो शो कहाँ से कहाँ चला गया, सो बहुत खुशी हो रही है। शिवांगी, वेरी 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 हैप्पी बर्थडे, एंड उसका नया साल आने वाला साल बहुत ही कामयाब रहे, एंड जिस तरह से वो तरक्की की ऊंचाइयों को छू रही है उसी तरह वो और आगे बढ़ती रहे, एंड शी शुड शाइन लाइक व्हाट शी इज। उसका फ्यूचर बहुत ब्राइट है, उसकी सारी विशेस पूरी हों। आई थिंक ये एक लाइन में बहुत है, अगर मैंने ये बोला उसकी सारी विशेस पूरी हों, उसको उसके अलावा चाहिए क्या। शिवांगी बहुत आगे जाओ, बहुत नाम कमाओ, ऐसे ही अपनी मॉम डैड को अपनी फैमिली को सपोर्ट करते रहो, प्यार करते रहो, आगे बढ़ते रहो। टीवी स्टार मोहसिन खान पहुंचे शिवांगी के बर्थडे पार्टी में उनके स्पेशल डे को और भी खास बनाने। शिवांगी और मोहसिन दोनों काफी मस्ती के मूड में नजर आए और साथ मिलकर किया दोनों ने डांस। जबरदस्त में देखिए महाराजा रंजीत सिंह के स्टार्स स्नेहा वाग और तुनिशा की दिल्ली वाली शॉपिंग। टीवी स्टार शिवांगी की बर्थडे पार्टी में सभी एक्टर्स नजर आए काफी कूल एंड कैजुअल अंदाज में। सभी का लुक लाजवाब था और सभी लग रहे थे काफी स्टाइलिश। कांची, पारुल, शिल्पा सभी बन ठन कर आए थे यहाँ। There's no style statement, just wearing a nice bandage dress, जैसे कि आप देख सकते हैं, and black shoes पहने, and halter neck top पहने, and I've tied up my hair for a change. I hardly tie my hair, so yeah, I've tied up my hair. Simple, cool and comfortable कपड़े जो भी हमने पहने,
आई थिंक हमने जो भी पहना है हम उसमें बहुत कंफर्टेबल हैं. दैट्स इट. कूल कैजुअल्स इज व्हाट वी बिलीव इन. या एक्चुअली सीरियल स्वाभिमान में मेघना और कुणाल के बीच बढ़ गई हैं दूरियां. आखिर क्यों है खफा मेघना कुणाल से और कैसे मनाएंगे कुणाल अपनी बेटा हाफ को? दरअसल मेघना के नाराज होने की वजह और कोई नहीं बल्कि करण की सच्चाई है. जी हां, मेघना का ये कहना है कि कुणाल ने मेघना को करण के बारे में सब सच नहीं बताया उसकी बीमारी को लेकर, जिस वजह से अब नैना को झेलनी पड़ रही है मुसीबत. थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई और ये अभी हर्ट है, तो जब कुछ आपके साथ आपके अपने करीबी के साथ कुछ ऐसा प्रॉब्लम हो जाती है तो फिर ऐसा मूड तो बनता है ना. अब थोड़ी नाराजगी है, बस नाराजगी है, मिसअंडरस्टैंडिंग है, नाराजगी है, कुछ मिसकम्युनिकेशन हुआ था जिस वजह से ये सब कुछ हो गया. वेल, कुणाल कर रहे हैं कोशिश मेघना को यकीन दिलाने की इस सब के पीछे वो असली कसूरवार नहीं है, बल्कि उन्हें खुद नहीं पता था कि करण को इतनी बड़ी बीमारी है. अब इस वजह से मेघना और कुणाल हो गए हैं एक दूसरे से अलग. अब देखना ये है कि कुणाल कैसे मनाएंगे मेघना को. सीरियल साथिया में आ गया है टॉप अप ट्विस्ट का ड्रामा, जब मोदी हाउस के बाहर पानी के टैंक पर गोपी के बिगड़े शहजादे रिकी हो गए हैं बेहोश क्योंकि उन्होंने पी रखी है अल्कोहल. यहां तक कि पानी के टैंक में भी मिला दी है अल्कोहल, जिसे देख पहुंचता है पूरा मोदी परिवार और बेहोश रिकी को पानी डालकर जगाता है जग्गी. और जैसे ही रिकी आता है होश में, गोपी जग्गी सभी मिलकर लगाते हैं डांट. जबरदस्त में देखिए महाराजा रंजीत सिंह के स्टार्स स्नेहा वाघ और तुनिशा की दिल्ली वाली शॉपिंग. वेल, एक तरफ जहां सीरियल साथिया में रिकी के कारनामे की वजह से सभी घर वाले होते हैं नाराज, वहीं गोपी ने सुनाई अपनी फरमान कि रिकी करेगा पानी की टंकी को साफ, क्योंकि रिकी ने ही किया था उस टंकी को गंदा. जिसके बाद सभी ने गोपी की बात को माना और जग्गी ने रिकी को पानी की टंकी साफ करने के लिए बोला. और ना चाहते हुए भी गोपी के आदेश के बाद रिकी कोशिश कर रहा है पानी की टंकी को साफ करने के लिए, लेकिन ड्रिंक करने की वजह से वो नहीं है अपने होश में. और जब वो पानी की बाल्टी भरकर टंकी में डालता है तो बाल्टी हो जाती है खाली, क्योंकि बाल्टी में है होल जिसकी वजह से पानी निकल रहा है बाहर. सीरियल साथिया में एक तरफ जहां रिकी लाख कोशिश करता है पानी के टंकी को साफ करने के लिए, लेकिन हर बार होता है नाकाम. उसे समझ नहीं आ रहा कि कैसे करे वो पानी की टंकी को साफ. वहीं जग्गी रखता है उस पर निगरानी. तभी वहां पहुंचती है रिकी की दोस्त समीरा और वो अपने साथ प्लम्बर्स भी लेकर आती है. और पहुंचते ही वो रिकी को रोक प्लम्बर्स को बोलती है टंकी साफ करने के लिए, और वो रिकी को बिठाकर उसे जूस पीने के लिए देती है, जिसे देख गोपी और सभी घर वाले होते हैं बेहद नाराज. और तभी कोकिला समीरा को बोलती है कि हमने रिकी को सजा सुनाई थी कि वो ही करेगा पानी की टंकी साफ, जिसके बाद समीरा और कोकिला में होती है बहस इस बात को लेकर कि बात टंकी को साफ करने की है तो फिर प्लम्बर्स करे उसमें प्रॉब्लम क्या है, जिसके बाद समीरा और कोकिला के बीच दिखी तीखी नोक झोंक. सीरियल ससुराल सिमर का में भारद्वाज हाउस में हो रही है सगाई परी के बेटे आरव और अनन्या की, जिसे लेकर है पूरा परिवार खुश. लेकिन भारद्वाज हाउस में खुशियां बिना ड्रामे के खत्म हो ऐसा कैसे हो सकता है? तभी तो देखिए ना, अंजलि को आ गया है अपने पति देव पर गुस्सा क्योंकि विक्रम खींच रहे थे फोटो तन्वी के साथ और अंजलि से ये सब देखा नहीं गया और वो भड़क गयी. जबरदस्त में देखिए महाराजा रंजीत सिंह के स्टार्स स्नेहा वाघ और तुनिशा की दिल्ली वाली शॉपिंग. सीरियल ससुराल सिमर का में आरव और अनन्या की एंगेजमेंट में हो गया बवाल, जहां हो जाती है तू मैं विक्रम और अंजलि के बीच, और सिमर भी रोकती है अंजलि को. और फिर कहानी में आता है ट्विस्ट, जब पूरे भारद्वाज हाउस के सामने विक्रम भड़क जाता है और कहता है मैं तन्वी से शादी करूंगा. आइए अब आपको करते हैं रिचार्ज सीरियल जाट की जुगनी में आए नए ट्विस्ट के साथ, जहां बिट्टू जुगनी को इस बात का यकीन दिलाता है कि उसके ताऊ जी हैं जिंदा और उन्होंने उसे किया है मैसेज भी, जिसे देख मुन्नी के सभी भाई होते हैं शॉक्ड कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि मुन्नी के ताऊ जी को भाऊजी ने उतार दिया था मौत के घाट.
सीरियल जय माँ संतोषी में आ गया है शॉकिंग ट्विस्ट, जहां धैर्य और संतोषी रुद्राक्षी को गोद में लेकर पहुंचते हैं घर में, जिसे देख सभी हो जाते हैं शॉक्ड। और रुद्राक्षी को इस हालत में देख संतोषी का हो गया है बुरा हाल और उसे कुछ समझ नहीं आ रहा कि आखिर ये क्या हुआ। दरअसल धैर्य, संतोषी और रुद्राक्षी चले थे घूमने, लेकिन तृष्णा की साजिश के हो जाते हैं शिकार और हो जाता है उनका एक्सीडेंट, जिसके बाद रुद्राक्षी हो जाती है बेहोश, जिसे देख संतोषी का हो गया है बुरा हाल। आइए अब आपको लेकर चलते हैं सीरियल अग्नि फेरा के सेट पर, जहां अनुराग यानी टीवी स्टार अंकित गेरा ने रागिनी यानी टीवी स्टार युक्ति कपूर के लिए रखी खास रियल वाली बर्थडे सरप्राइज। और वो क्या है वो खुद बता रहे हैं अंकित गेरा। ओके, तो युक्ति के लिए ये सब सरप्राइज हमने रखा है ताकि उसको थोड़ा सा स्पेशल फील हो, और ये सब चीजें उसको बहुत अच्छी लगती है। एंड आज उसका स्पेशल डे है, तो क्यों ना कुछ स्पेशल अरेंजमेंट किया जाए। एक्चुअली स्माइलीज जो है इनकी शक्ल युक्ति से बहुत मिलती है, इसलिए हमने ये स्माइलीज यहाँ पे लगाए हैं। नहीं नहीं, वो हमेशा हंसती रहती है, इसलिए हमने ये स्माइलीज लगाए हैं। हम उसको बोलेंगे कि उसकी फोटो लगाइए। टीवी स्टार प्रणीत भट्ट यानी सीरियल महाभारत के शकुनी मामा के किरदार से हुए फेमस, अब दिखाई देंगे सीरियल पोरस में। प्रणीत इस बार भी एक नेगेटिव किरदार निभाएंगे, चलिए जानते हैं उनसे इस शो के बारे में। कैरेक्टर तो पूरा डिफरेंट है और ग्रैंड, बहुत ग्रैंड शो है ये। मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि महाभारत के बाद ये सिद्धार्थ जी का विजन है, और जैसे महाभारत में हमने कहा था कि जो महाभारत में नहीं वो संसार में नहीं, ये महाभारत ही है लेकिन 326 BC की है। और ये जो महाभारत है ये हिंदुस्तान में हुई थी, उस वक्त की कहानी है, उस वक्त क्या हुआ था और कैसे हुआ था, ये सब सच्चाई हिंदुस्तान को दिखाने के लिए सिद्धार्थ जी ये शो बना रहे हैं। टेली टॉप अप ने आपको किया था रिचार्ज टीवी स्टार पूजा गौर के न्यू प्रोजेक्ट वाली न्यूज के साथ, और अब टेली टॉप अप दिखा रहा है कि कैसे पूजा बनी है एक डांसर और कर रही है क्लासिकल डांस। आपको बता दे कि इस शो में पूजा आपको डराती हुई नजर आएंगी। ये बेसिकली देर इज़ दिस न्यू हॉरर शो, और उसी की एक स्टोरी है, उसी के एपिसोडिक के लिए मैंने ये रूप धारण किया है। इट इज़ अ हॉरर शो एज आई सेड, एंड यू नो इट्स वेरी डिफरेंट। सीरियल ये रिश्ता के सेट पर हुआ सेलिब्रेशन। शो को इस साल कई सारे अवार्ड्स मिले हैं, इसी खुशी में केक काटा गया और सभी ने साथ मिलकर सेलिब्रेट किया। कायरा की जोड़ी को भी एक साल पूरा हो गया है, सभी ने सेल्फीज क्लिक की और की ढेर सारी मस्ती भी। खूबसूरत ज्वेलरी, रंग बिरंगी चूड़ियाँ, स्टाइलिश और एंटीक बैग्स और क्लचेस, और भी बहुत कुछ है यहाँ। जबरदस्त में आज हम आपको ले चलेंगे दिलवालों के शहर दिल्ली में, जहाँ हमारे साथ शॉपिंग का मजा उठा रही हैं टीवी स्टार स्नेहा वाघ यानी सीरियल महाराजा रंजीत सिंह की राजकौर। पता नहीं दिनिशा क्या खरीदना चाहोगे तुम? मैं फिलहाल मेरे टाइप का अभी कुछ, आपके लिए ही सब कुछ दिख रहा है अभी। अच्छा, तुम्हारे टाइप का है नहीं यहाँ पे। वहाँ पे मुझे बैग्स दिख रही है, बैग्स देखें, हाँ उसमें फुलकारी वो वर्क वगैरह है जो काफी रेयर। यस, नॉर्थ की स्पेशलिटी। सबसे पहले स्नेहा और तुनिशा पहुँचे एक बैग स्टोर में, जहाँ उन्होंने देखे अलग अलग तरीके के स्टाइलिश बैग्स। इस शॉप में बहुत सारी बैग्स दिख रहे हैं और तुनिशा को कुछ कुछ बैग्स कुशन के जैसे भी दिख रहे हैं, तो अंदर जाके देखते हैं और कितनी वैरायटी है। बाहर ही इतनी सारी वैरायटी दिख गई मेरे को। एक्चुअली सब ना यहाँ पे कुशन की तरह ही लग रहे हैं, तो टू इन वन है, तो एक तो उसमें सामान भी रख सकते हैं और सोने के लिए भी। जैसा कि आप सब देख सकते हैं काफ़ी कलरफुल है ये, काफ़ी हैप्पी हैप्पी कलर्स है इसमें और काफ़ी वर्क है इसमें। एंड ऐसी चीज़ें मैंने तो काफ़ी कम ही देखी हैं, क्योंकि मुंबई में ज़्यादा बाहर नहीं निकलते हम, सेट पे ज़्यादा रहते हैं। मुझे सबसे पहले वो बहुत ज़्यादा कलरफुल है वो वाला, हाँ वो पसंद आया मुझे। और फिर ना अलग अलग शेप के यहाँ पे वो है, अलग अलग शेप के लेदर के बैग्स है, वो पसंद आया। ब्यूटीफुल, एक तो ये कलर बहुत क्लासी कलर है, मुझे बड़ा अच्छा लगता है ये कलर। और इसको स्लिंग भी बना सकते हैं, हाथ से बनाई हुई, हैंडमेड, ये स्टिचिंग ये सारी हैंडमेड है, ये प्रिंट भी हैंडमेड है, हैंड कार्विंग किया हुआ। अच्छा,
कैसे ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल ये सब नहीं दिखाई देता मुंबई में. ये मेरे लिए बहुत अमेजिंग है क्योंकि इसमें मेरा बहुत सारा सामान आ जाएगा. नहीं लड़की किसी भी लड़की के लिए और मेरे लिए भी कि बहुत सारा सामान होता है जब बैग में, तो बोलते वो कितनी भी बड़ी बैग लो वो एक टाइम के बाद वो सफिशिएंट नहीं रहती. इस स्टोर में आके बहुत अच्छा लगा. तुमको कैसे लगा? बहुत अलग अलग टाइप्स की बैग्स हैं यहाँ पे, बैग पैक्स हो चाहे वो मॉडर्न हो या पुराने टाइप की हो या झोला भी हो, बहुत ही अच्छे बहुत ही कलरफुल है ना. बहुत मतलब ऐसे मुंबई में देखने को नहीं मिलते बिल्कुल. हाँ इट्स लाइक अ क्लच, इट्स सो कूल. ये फिश है मछली, ऐसे लग रहा है कोई ब्रिटिश के ज़माने के कॉइन्स लगे हैं लेकिन है नहीं वो ब्रिटिश के ज़माने के, लेकिन वैसे लग रहा है. अच्छा ये भी क्लच ही है. बैग्स की खरीदारी के बाद अब बारी है कुछ एंटीक्स देखने की. हमने अभी शॉपिंग कर रहे हैं तो काफ़ी अलग चीज़ें देखने को मिल रही है. लाइक कश्मीरी चीज़ें हैं यहाँ पे, हर रिलीजन की चीज़ें आपको काफ़ी अच्छी अच्छी मिलेंगी. तो जैसे कश्मीर का यहाँ पे ज्वेलरी बॉक्स हैं काफ़ी अच्छे अच्छे, जब मैं कश्मीर गई थी तब मैंने देखे थे ऐसे, तो काफ़ी क्यूट क्यूट. मैं थोड़ी सी मेसमराइज्ड हूँ क्योंकि मैं कभी कश्मीर गई नहीं हूँ, तो ये सारी चीज़ें देखने मिल रही, मतलब इतनी बल्क में मुझे थोड़ा ओवर एक्साइटमेंट फील हो रहा है. हैंड पेंटेड है सारी चीज़ें है ना, तो छोटी छोटी चीज़ें बहुत ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल सी चीज़ें ये बॉक्स है. हाँ सारी चीज़ें हैंड पेंटेड है और बहुत छोटे, मतलब उनकी कारीगरी बहुत बोलते हैं ना एकदम माइन्यूट, वो मिनिएचर पेंटिंग वाली चीज़ है ये. इस शॉप में जितनी भी यहाँ पे इस तरफ की चीज़ें दिख रही है वो सारी पेपर पल्प से बनाई है और हैंडमेड है सारी चीज़ें और हैंड पेंटेड है, मिनिएचर पेंटिंग वाली जो कारीगरी होती है वो की है. वेरी ब्यूटीफुल. नेहा और तुनिशा को दिल्ली के इस बाजार में शॉपिंग करके कितना मजा आया, चलिए उनसे जानते हैं. बहुत मजा आया, बहुत मस्ती की. मैं पहली बार दिल्ली आई हूँ और पहली बार ऐसे दिल्ली देख रही हूँ, शॉपिंग स्ट्रीट वाली दिल्ली देख रही हूँ. बहुत ऐसे लग रहा है यार थोड़ा और शॉपिंग कर लेनी चाहिए. आपका कैसे एक्सपीरियंस रहा? मैं पहले एक बार दिल्ली आई थी बट ऐसे मैंने घूमा नहीं है कभी, तो अभी ये सब शॉप्स देख के काफ़ी यूनिक न्यू यूनिक चीज़ें मिलने देखने को मिल रही हैं मुझे, तो काफ़ी अच्छा. और मैं और थोड़ा देर रुकना चाहती हूँ यहाँ पे. वेल वी होप स्नेहा और तुनिशा की शॉपिंग और मस्ती देख आप हो गए होंगे फुली रिचार्ज. बोनस धमाका में पूजा गौर के नए लुक पर खुलासा. 30 मिनट का फुल रिचार्ज जूम टेली टॉप अप. बोनस धमाका में आज हमारे साथ हैं पॉपुलर टीवी स्टार पूजा गौर, जिन्हें जूम के कैमरा ने किया कैद उनके नए प्रोजेक्ट के लिए एकदम गॉर्जियस एंड स्टाइलिश अवतार में. और जूम से एक्सक्लूसिवली बात करते हुए पूजा ने किया खुलासा अपने इस लुक के बारे में. दिस अटायर व्हाट आई एम प्लेइंग इज अ कोर्टिसान, अ डांसर, जो जो राजा होते हैं उनके जो कोर्ट में हु डांसेस जो 1940s के टाइम पे होती थी. सो आई एम प्लेइंग वन ऑफ दैट कैरेक्टर्स कोर्टिसांस, सो हेंस ये 1940s का थोड़ा सा. ये जो हाथों में पहनते हैं बिग बिग इयर रिंग्स, प्रॉपर जो चोकर होता है जो जैसे उस ज़माने में पहनते थे, ये फिर माथे का ये जो कुछ भी है, सो इट्स लाइक प्रॉपर आउटफिट है, जो प्रॉपर लुक है जो उस टाइम पे जो डांसर्स का हुआ करता था. सो या जूम से एक्सक्लूसिवली बात करते हुए टीवी स्टार पूजा गौर ने किया रिवील कि आखिर क्यों पसंद आया उन्हें ये किरदार. मैं यही कहना चाहूँगी दैट आई एम ट्राइंग समथिंग न्यू एंड आई रियली वुड लव टू सी हाउ दे रिस्पॉन्ड टू इट, इफ दे लाइक इट एंड इफ आई लाइक इट, बिकॉज मैं नहीं जानती थी वेदर आई कैन डू समथिंग लाइक दिस और नॉट, सो इट्स एन एक्सपेरिमेंट फॉर मी. प्लीज देखिएगा यू नो एंड डू लेट मी नो हाउ इट इज. थैंक यू. वेल वी होप कि आप टीवी स्टार पूजा गौर के इस गॉर्जियस एंड स्टाइलिश लुक वाली न्यूज से हो गए होंगे फुल्ली रिचार्ज. मिनट का फुल रिचार्ज जूम टेली टॉप अप. फॉर ऑल द गरमा गरम बॉलीवुड गॉसिप न्यूज एंड मोर डाउनलोड द जूम ऐप नाउ.